ट्विटर पर छिड़ गई है जंग। ये जंग है आरके और केआरके की। यस, आरके खानदान के दो सपूत यानी ऋषि कपूर और रणबीर कपूर का झगड़ा हो गया है केआरके से ट्विटर पर। ये बात तब शुरू हुई जब केआरके ने एक ट्वीट किया शाहरुख खान के ट्वीट पर। शाहरुख ने करण जौहर के लिए कोई ट्वीट किया था जिसका बड़ी ही अब्यूजिव लैंग्वेज में केआरके ने जवाब दिया। इस जवाब से थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए ऋषि कपूर और उन्होंने लिख दिया कि दिस गाय इज अ बिग फेलियर। इस शख्स को कुछ भी नहीं पता ये क्या करता है, इसलिए इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ही इज जस्ट अ फंडामेंटलिस्ट। होना क्या था, आरके यानी ऋषि कपूर की इस बात पर केआरके भड़क गए और उन्होंने ट्वीट्स की बौछार लगा दी। इन ट्वीट्स में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ साथ उनके बेटे रणबीर कपूर के बारे में भी ढेर सारी बकवास बातें लिखी। कभी उनके बेटे का नाम संजय लीला भंसाली के साथ जोड़कर लिखा और कभी ये लिखा कि ऋषि कपूर खुद एक फेलियर है, हमेशा जिंदगी में साइड हीरो रहे हैं और आगे भी साइड हीरो रहने वाले हैं। ढेर सारा अल्कोहल पीने के बाद रात को ऐसी बकवास करते हैं, इसलिए ऋषि कपूर की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अ सीरीज ऑफ बैड ट्वीट्स वर ट्वीटेड बाय केआरके। उसके बाद ऋषि कपूर ने इसका जवाब दिया, लेकिन सिर्फ एक बात लिखकर। उन्होंने लिखा कि रिपोर्टिंग दिस टू द ट्विटर ऑफिशियल्स फॉर द फाउल लैंग्वेज, और कमाल आर खान के अकाउंट को उन्होंने टैग कर दिया। देखना यह है कि ट्विटर क्या इसके ऊपर एक्शन लेता है, लेकिन केआरके के लिए ये एक पॉपुलैरिटी का मीडियम बन चुका है। वो किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ लिखते हैं, कंट्रोवर्सी होती है और उन्हें अटेंशन मिल जाती है। सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन। ये हमारे इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, जब तक वो केआरके के ट्वीट्स पर जवाब देते रहेंगे तब तक केआरके को वो मिलता रहेगा जो वो चाहते हैं, दैट इज पॉपुलैरिटी।